कुछ कर गुजरने की चाहत हो, मकसद पूरा करने के लिए मेहनत और लगन हो, तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। पूरे जी जान से मेहनत करें तो बच्चों को कामयाबी की बुलंदियों को छूने से कोई नहीं रोक सकता, और नैना जायसवाल इसकी जीती जागती मिसाल है। आप देखिए ये मिसाल की कहानी, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे पेरेंट्स मुझे बचपन से ये बताते आते हैं कि जीत की खातिर बस एक जुनून चाहिए, जहां उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान तो आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। नैना के लिए ये सिर्फ कुछ शब्द भर नहीं है, बल्कि वो अल्फाज है जो नैना को प्रेरित करते हैं। माता पिता की कही बात को नैना ने छोटी सी उम्र में ही गांठ बांध लिया, और फिर शुरू हुआ कामयाबी का सिलसिला। एक के बाद एक नैना बुलंदियां छूती गई। हाँ, तो जैसे कि मैं हमेशा बताते हुए आ रही हूँ कि मेरे माता, छोटी सी उम्र में मैंने बड़े बड़े काम आसानी से किए हैं, तो इसका मूल कारण मेरे माता और पिता है, क्योंकि वो मुझे बचपन से बताते हैं कि नारी अबला नहीं आदिशक्ति है, तो बचपन से वो मुझे बहुत प्रोत्साहन करते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलता, मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर हजार बार प्रोत्साहन और प्रेम देने वाले माता पिता नहीं मिलते। हैदराबाद की रहने वाली नैना को 5 साल की उम्र तक माँ ने घर पर ही ट्रेनिंग दी, और उसके बाद पिता बेटी को सफल बनाने में जुटे। महज 8 साल की उम्र में 10वीं पास करने वाली नैना एशिया की पहली लड़की बनी। 10 साल की उम्र में 12वीं, 13 साल की उम्र में जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, और 16 साल की उम्र में PhD में एडमिशन। इतना ही नहीं, नैना टेबल टेनिस चैंपियन भी है, और वो IAS बनकर देश की सेवा करना चाहती है। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, क्योंकि ये जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, पर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। तो ऐसे मेरे माता पिता कहते आ रहे हैं, तो मैं उसी चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। और वैसे तो मेरा एम्बिशन है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूँ और हमारी देश की सेवा करूँ, और उसके साथ साथ टेबल टेनिस में भी मैं चाहती हूँ कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कॉमनवेल्थ हो गया या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया, उसमें मैं अपने देश का नाम रोशन करूं। वही नैना जायसवाल के पिता अश्वनी जायसवाल की माने तो टैलेंट हर बच्चे में होता है, और हर बच्चा नैना जैसा बन सकता है। ये जो कला है, जो आप बता रहे हैं कि नैना स्पोर्ट्स में भी है, एजुकेशन में भी है, म्यूजिक में भी है, और अगस्या ने भी अद्भुत किया है एजुकेशन में, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा सब बच्चे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप सतर्कता के साथ, हर बच्चे के साथ या हर लड़का लड़की के साथ, अगर माँ बाप अगर रोज़ टाइम देते हैं, तो सब बच्चे भी वंडरकिड बन सकते हैं, सब बच्चे भी नैना जैसा, अगस्या जैसा बन सकते हैं। तो लेकिन पहले लोग बोलते थे कि भाई नैना लाखों में करोड़ों में एक बच्ची है जो ऐसा अद्भुत कर दिए, सबके साथ नहीं हो सकता है, तो उसके बाद हमने अगस्या को बनाया। नैना जायसवाल बाली उम्र में ही जो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी, वो वाकई काबिले तारीफ है। और सिर्फ नैना ही नहीं, बल्कि नैना का छोटा सा भाई अगस्त्य भी उसी की तरह होनहार है, और नैना के माता पिता अपने बच्चों की कामयाबी पर गर्व महसूस करते हैं। आज उन्हें नैना और अगस्त्य के माता पिता के नाम से जाना जाता है। पंचकुला से तारा ठाकुर, न्यूज 18 हरियाणा। जुलाई 1969, मनुष्य की उपलब्धियों का एक ऐतिहासिक दिन। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले 18वें व्यक्ति बने। जी, 18 ही सुना आपने, चांद पर कदम रखने वाले 18वें व्यक्ति बने। क्यों किए मत?
क्योंकि दोस्तों अब 18 बन चुका है नया नंबर वन। न्यूज 18 नेटवर्क, भारत का नंबर वन न्यूज नेटवर्क। Judges, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.